आए दिन झारखंड में बालू, गिट्टी, ईंट को लेकर लोग परेशान ही रहते हैं। वही आज झारखंड प्रदेश ईंट निर्माता संघ के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहां ईंट पर लगाया गया GST, कोयले के मूल्यों में वृद्धि एवं ईंट मिट्टी निकासी में हो रही कठिनाई के विरोध में 12 सितंबर से 17 सितंबर तक ईंट बिक्री बंद करने का संघ ने आह्वान किया है। एक्चुअली मैं ये बता दें आपको, मैं अध्यक्ष झारखंड प्रदेश निर्माता संघ अनंतनाथ सिंह, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री रतन श्रीवास्तव चेयरमैन उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, हमारे साथ हमारे संरक्षक श्री लादूराम शर्मा जी, श्री राधेश्याम सिंह जी हमारे महामंत्री, ये लोग हैं। तो ये आयोजन इसलिए हुआ कि ऑल इंडिया ने, अखिल भारतीय ईंट निर्माता संघ ने सरकार से कहा कि जो ईंट भट्ठों पर GST आपने 600% बढ़ाया है, 240% बढ़ाया है, पूर्वत हमारा लगता था 1% 5%, उसकी जगह 6 से 12 किया है, इस पर आप संशोधन करिए और विचार करिए। सरकार ने नहीं किया। दूसरा हमारा रॉ मटेरियल है, हम उपभोक्ता सबसे बड़े थर्मल पावर के बाद उपभोक्ता कोयले के हैं, और हमें जो कोयला सरकार नहीं दे रही है तो हमें बिचौलियों से खरीदना पड़ रहा है, और उन बिचौलियों से जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उपभोक्ता को आप कोयला नहीं दे रहे हैं और उनको दे रहे हैं, और वो हमको तिगुना चौगुना में जा रहे हैं। तो पिछली बार जो कोयला हमारे लोगों को 7,000-8,000 मिला, आज हमको 20,000-24,000 रुपये में मिला। इसलिए हमारे लोगों की पूंजी टूट गई, बड़े परेशानी में है। और GST जो है, कोई कंज्यूमर, हमारे कंज्यूमर कौन है? मध्यम वर्गीय लोग हैं जो घरों को, छोटा छोटा घरों को बनाते हैं, वो GST जानते भी नहीं हैं। GST हमको अपने से देना पड़ता है। अब आप ये कल्पना कर लें, जब उनको हमको GST अपने देना होगा, तो हमारे लोगों का कोयला का दाम बढ़ गया, मजदूरों का ये बढ़ गया, कोरोना के चलते हम लोग इतना मार खाए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने सरकार को निश्चित आवेदन दिया, संपर्क किया, लेकिन उन लोगों ने जब नहीं सुना, तो 23 मई को अखिल भारतीय ईंट निर्माता संघ ने निर्णय लिया कि हम पूरे देश में ईंटों का उत्पादन बंद कर देंगे। और आज हमारे यहाँ पूरा देश आंदोलित है, चाहे वो जम्मू से कश्मीर कहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बिहार में भी आंदोलन हुआ है जिले जिले में, उत्तर प्रदेश पूरा आंदोलित है, पंजाब है, सब जगहों पर ईंटों का उत्पादन बंद है। और उसके बाद अभी सीतारमन जी से एक बात हुई हम लोगों की, उन्होंने आश्वासन दिया है, कोयला मंत्री तो नहीं मिल सके, सचिव से बात हुई है श्री तिवारी जी से, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग कह रहे हैं ईंटा बिक्री कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि ईंटा भी अब हम नहीं बेचेंगे। तो हमारा 12 तारीख से 17 तारीख तक पूर्णतः ईंट का बिक्री बंद कर दिया गया है, पूरे झारखंड में, पूरे देश में। यही स्थिति सांकेतिक, इसके ये सांकेतिक है कि ऐसी परिस्थितियाँ। अब इससे क्या है, सरकारी काम प्रभावित होगा, ये होगा तब वो लोग सोचेंगे, ये परिस्थितियाँ हैं। और दिन पर दिन जो चीज़ें लादी जा रही हैं हम पर, एक सीमा है सहने की, और हम लोग निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं। अगर ईंट जुड़ता है तो लोग सोचते हैं कि विकास हुआ, ईंट अगर नहीं बनता है, टूटता है, तो लोग कहते हैं कि इसका विकास अवरुद्ध है। तो विकास के जुड़ने वाले को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और उसको जगह प्रोत्साहित करने की जगह आप प्रताड़ित किए जा रहे हैं, कोई सहयोग नहीं, हमको कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, हम कन्वर्शन कर रहे हैं, हम पोल्यूशन कितना कम हो इसके लिए, मूविंग से हम फिक्स्ड में आए, फिक्स्ड से हम जिगजैग में चले, आप जो कह रहे हैं हम करते जा रहे हैं, हम उद्योगपति तो हैं नहीं, और हमारे युवा वर्ग जो है। दूसरी बात, मनरेगा में आप 100 दिन का काम देते हैं और पीठ थपथपाते हैं कि हमने तो एक परिवार को 100 दिन का, हम तो एक एक परिवार को 240 दिनों का काम देते हैं, और उसका परिवार में 5 सदस्य हैं, 5ों को काम देते हैं, और उन लोगों को काम देते हैं जिनको कोई काम नहीं देता है, खेतिहर मजदूर, खेती कर लिए उसके बाद हमारे यहाँ आए काम किए। दूसरी बात हम ये करते हैं, ग्रामीण अंचल में हमारा भट्टा है, वो माताएँ बहनें, वैसे लोग, हो सकता है वो विकलांग भी हो, वो आसाम जाने की स्थिति में नहीं है, मद्रास जाने की स्थिति में, हम गांव में रोजगार दे रहे हैं। सरकार कहती है आओ मेरे, हम आपके द्वार, हम तो उसके द्वार पर दे रहे हैं, पलायन हम रोक रहे हैं। तो हमें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसकी जगह प्रताड़ित किया जाए। इसीलिए हमारे भारत सरकार, अखिल भारतीय ने, प्रदेशों ने,
केवल झारखंड की बात नहीं है, पूरा प्रदेश हमारे ईंट भट्टे वाले आंदोलित हैं, और तब तक ईंटों का उत्पादन हम नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को मानेगी नहीं, उसमें संशोधन नहीं करेगी। ये हमने निर्णय बिल्कुल कर पाएगी, सरकार को विवश कर पाएगी, सरकार को घुटने पे आने के लिए मजबूर कर देगी। आप बताइए, एक भट्टे पर 200 से 300 लेबर काम करती है, वो लेबर कहाँ जाएगी, कौन रोजगार देगा? सरकार रोजगार दे पा रही है? अगर झारखंड में 3 लाख मजदूर हैं, 3 लाख मजदूर काम करते हैं, कहाँ जाएंगे? पूरे भारत वर्ष में पलायन रोकने का सबसे हम काम कहाँ करते हैं, पहले मैडम इसको समझ लीजिए, हम काम करते हैं जैसे खेती किसानी काम होता है, वही मेरा काम है। गांव में, सुदूर गांव में जाकर भट्ठा लगाते हैं, और आसपास के जितने लोग गांव में हैं उनको रोजगार हम देते हैं, मुहैया कराते हैं, पूरा खेती टाइप का हमारा है। और कब कराते हैं? जब धान की फसल कट जाती है और गेहूं की फसल बोने का सीजन है तब करते हैं, फिर 15 दिन बीच में गैप करके, फिर जब गेहूं की फसल कट जाती है और बरसात आने तक हम उनको काम देते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।